Hi, this is Godrej Woods and this is a sample flat of 3 BHK that is in phase 1, and let's move, have a tour. Okay, the size of a flat is 208 feet flat. Okay. It's a 3 BHK, 3 toilets flat. Mm-hmm. Once we enter the flat, this is our living and dining area. Living, dining, okay. Yes. The size is? The size is 12 by 26.3. Fit is the size of the living and dining room. Okay. This is our guest room. Entry karte hi pehla guest room aata hai hamare paas. It's attached with washroom and the small balcony. Small balcony. It's a guest room. Ek baar dekh leta hu. Let's move into the balcony. You can see the greenery outside as well. Har ek balcony ke bahar aapko इतनी सारी ग्रीनरी मिलेंगे, आइदर तो बाहर इंटरनल व्यू या बाहर जो गोल्फ कोर्स व्यू। इंटरनल वाले जो फ्लैट्स आप देख रहे हैं उसका हमारा 4.5 एकर्स का हमारा इंटरनल ओपन गार्डन है। ओके। अगर आप आउटसाइड के फ्लैट भी देखते हैं तो उसके अंदर भी हमारा 25 मीटर का ग्रीन बेल्ट आता है सर, और उसी के आगे अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पे रह रहे हैं तो यू हैव अ वेरी गुड बर्ड आई व्यू, और सामने ही हमारा 100 एकड़ का गोल्फ कोर्स व्यू है। एक बार वॉशरूम देख लेते हैं। दिस इज द वॉशरूम, दिस इज द सिंक, ये बेसिन रहेगा आपका, ग्लास, दिस इज लिविंग एंड डाइनिंग। इसके साथ भी बालकनी है, इसके साथ जो आपका बालकनी मिलती है इट्स अ रनिंग बालकनी। रनिंग बालकनी, ओके। अगर आप ऐसे बात करें वाइड की, ये 4.11 फीट बालकनी वाइड है, ये 4.1 फीट, और अगर हम लाइक 4.11 ऑलमोस्ट फाइव ओके, और अगर हम ऐसे रनिंग में निकल जाते हैं तो 30-32 फीट रनिंग, 30-32 फीट की रनिंग बालकनी रहेगी। जैसे घर में सीनियर सिटीजन है, किसी ने नीचे जाने का दिल नहीं कर रहा वॉक करने का, तो यहाँ आराम से कर सकते हैं वॉक करने के लिए। इसके अलावा आपका कोई पार्टी भी चल रहा है तो छोटा पार्टी, जैसे छोटा पार्टी कर सकते हैं, तो इजीली आप यहाँ पे सिटिंग एरिया यूज भी कर सकते, यूज कर सकते हैं। काफी बड़ी बालकनी है। इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा किचन में। किचन देख लेते हैं। किचन आपको गोदरेज इंटीरियर से डिजाइन होके कस्टमाइज होके मिलती है। चिमनी एंड हॉब और आपका मॉड्यूलर किचन गोदरेज इंटीरियर करके देते हैं, गोदरेज इंटीरियर करके देते हैं, और साथ ही आपकी यूजर भी बालकनी स्पेस आती है। यहाँ क्या क्या चीज रहेगा और क्या क्या नहीं रहेगा आप जरा बताइए। चिमनी एंड हॉब, चिमनी हॉब रहेगा, मॉड्यूलर किचन, नॉट अ फुली लोडेड किचन, बस। ओके फाइन। ये है आपका फेस वन का फ्लैट, फेस वन का फ्लैट है 3 BHK, और वेरी सून गोदरेज वुड्स के अंदर फेस थ्री लॉन्च होने जा रहा है। यस, जिसके अंदर साइजेस बहुत बड़े आ रहे हैं। यस, अब जैसा कि 3 BHK का फ्लैट देख रहे हैं इसका साइज है 2088 का साइज। अगर मैं 3 BHK के फ्लैट की बात करता हूँ फेस थ्री के अंदर, उसका साइज है 2563 स्क्वायर फीट। 2563। अगर आप इस बालकनी को देखें तो ये 4 फीट बाय 7 फीट के करीब की बात है, 4 बाय 7 की बालकनी है, इट्स अ यूटिलिटी बालकनी। बट अगर मैं यूटिलिटी बालकनी की बात करूं 3 BHK के फेस 3 की, उसका साइज आता है 7 फीट बाय 15 फीट, 7 बाय 15 फीट की बालकनी। अब आप ये देखिए कि कितनी बड़ी रनिंग बालकनी मिलती है आपको। आपने कुछ स्टोरेज के सामान रखना है, वॉशिंग मशीन रखना है या कुछ भी रखना है, तो इट्स अ वेरी व्यू स्पेस एंड इट कम्स अप विद अ सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम की बालकनी जो खुलती है वो सीधा यूटिलिटी बालकनी के अंदर ही खुलती है, उसके बाद वो किचन आएगा, किचन के बाद वो सीधा फ्लैट के अंदर। ओके, दिस इज अ कॉमन बेड, दिस इज अ रूम जिसके अंदर वॉशरूम आपका कॉमन रहेगा, कॉमन रहे जो यूज करेंगे ये बेडरूम एंड द लिविंग वाले। इसकी बालकनी भी कॉमन रहेगी जो रनिंग बालकनी से कनेक्टेड है। एग्जैक्टली।
अब एक अच्छा, एसी वगैरह लगी होंगी? हाँ जी, एसी आपको डेकन के 5 स्टार के रेटिंग के, डेकन के 1.5 टन के एसी रहेंगे, एक्रेलिक एमल्शन पेंट रहेगा वॉल्स के ऊपर, वुडन फ्लोरिंग रहेगी तीनों बेडरूम में, चाहे आप 3 बेडरूम में जा रहे हैं तो तीनों बेडरूम में होगी, 4 में जा रहे हैं तो 4 बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग रहेगी, वुडन फ्लोरिंग रहेंगे ओके। और एसी भी हर एक रूम में रहेंगे, एसी हर एक रूम में, एसी आपके सारे बेडरूम में एंड लिविंग एंड डाइनिंग में भी एसी मिलेगा, लिविंग एंड मीन 3 BHK में अराउंड 5 ACs और समथिंग। अगर हम लोग 3 BHK के फ्लैट की बात करते हैं फेज 3 के, तो तीनों बेडरूम्स के अंदर एक एक एसी एंड 2 ACs आपके लिविंग एंड डाइनिंग, मतलब 5 ACs, 5 ACs मतलब 3 BHK का फ्लैट, 6 ACs मतलब 4 BHK के, एंड 5 BHK में 7 ऑफ कोर्स, पांचों बेडरूम्स के अंदर, पांचों बेडरूम्स के अंदर 2 लिविंग एंड डाइनिंग ओके। ये वाला, ये कॉमन वॉशरूम है, वॉशरूम भी देख लेते हैं एक बार। अब ये हमारा फेस वन के फ्लैट का मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम और फेस वन का। अगर इसके साइज की बात करूं, इसका साइज मोटा मोटा 12x16 के करीब का साइज है, 15x10 के करीब का साइज है ये। ओके। अलग सेपरेट ड्रेसिंग एरिया, आप देख सकते हैं ड्रेसिंग एरिया इसका अलग। ये रहेगा। वाओ, ग्रेट। ये मास्टर बेडरूम कह रहे हैं। हाँ, बट अगर मैं 3 BHK के फ्लैट की बात करूंगा जो फेज 3 में हम लोग ला रहे हैं, उसके अंदर आपके पास दो दो मास्टर बेडरूम आते हैं जिनका साइज आता है मोटा मोटा 12x17 का, और उन दोनों के दोनों बेडरूम्स के अंदर आपको सेपरेट ड्रेसिंग एरिया मिलता है। सेपरेट, ओके ओके ग्रेट। दो मास्टर बेडरूम काफी यूनिक चीज है। दिस इज ए कॉमन वॉशरूम, मींस अटैच वॉशरूम, अटैच वॉशरूम। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट दिस स्पेस। आप जैसे बता रहे कि दो मास्टर बेडरूम रहेंगे, 3 BHK, 2 मास्टर बेडरूम as well as two, this dressing area, दोनों के साथ ड्रेसिंग एरिया आपका अटैच आएगा, एक बेडरूम आपका कॉमन रहेगा। आई रिपीट, 3 बेडरूम फेज 3 के अंदर आप जाते हैं तो दोनों के दोनों बेडरूम का साइज विच इज सिमिलर 12x17। ओके, इसकी जरा बैल्कनी भी देख लेते हैं एक बार। एक्जेक्टली, से कॉमन बालकनी, हमने कॉमन बालकनी जो हमने देख सकते हैं, यस, अच्छी स्पेशियस बालकनी, बहुत ज्यादा स्पेशियस बालकनी है। एंड सामने जैसे आपको ग्रीनरी दिख रही है, एक्चुअल में भी ग्रीनरी ऐसे ही दिखेगी। अभी तो आपके सामने अगर आप ये देख लेंगे बोर्ड्स लगे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है। वंस वी डिलीवर, ये पूरा का पूरा ओपन होके आप गैपिंग देख सकते हैं कि एक टावर से दूसरे टावर के बीच में मोटा मोटा कितना गैप आ रहा है। यस, और प्रॉपर सन फेसिंग फ्लैट्स रहेंगे। आप अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं थ्रू आउट दैट लाइफ टाइम ये ओपन ही रहेगा, ओपन ही रहेगा, वुड्स टाइप में फॉरेस्ट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक है, क्वाइट ब्रिलियंट। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि 3 BHK के साथ हमारे सर्वेंट भी हैं जो कि थर्ड फेज में आपका रहेगा, तो आई बिलीव किचन के साथ उसकी एंट्री होगी, यूटिलिटी वाला सर्वेंट रूम जो आएगा बिल्कुल बाहर से एंट्री होगी, और सर्वेंट रूम की जो एंट्री खुलेगी सीधा यूटिलिटी बालकनी से, वो सीधा किचन में एंटर होगा, किचन से फिर वो सीधा अपार्टमेंट के अंदर आएगा पूरा क्लीनिंग रूम के लिए। ये नहीं कि सर्वेंट भी आपका अंदर ही आ रहा है और सीधा अंदर से घूम के, ओके, तो वो अलग से सेपरेट एंट्री। एंड दैट्स योर कॉल कि आपको उसको सर्वेंट को परमानेंट रखना या नहीं रखना, या आप उस रूम को कस्टमाइज भी कर सकते हैं स्टोर रूम की तरफ। तो रूम भी उनके साथ किचन के बाहर रहेगा, बाहर की तरफ यूटिलिटी रूम। बिल्कुल। और वहाँ यूटिलिटी रूम में आप वॉशिंग मशीन वगैरह भी रख सकते हैं, मतलब यूटिलिटी रूम इज लाइक अ सर्वेंट रूम है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप चाहे उसको यूटिलिटी कह लीजिए या सर्वेंट रूम कह लीजिए, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। सर्वेंट रूम मतलब मोटा मोटा 8x8 के करीब का साइज रहेगा जिसके साथ वॉशरूम अटैच रहेगा। एज आई सेड, आप चाहे तो उसको सर्वेंट रूम भी, सर्वेंट परमानेंट भी रख सकते हैं, या आप उस रूम को एज अ स्टोर रूम भी यूज कर सकते हैं। कि आपको सर्वेंट को परमानेंट नहीं रखना, आप चाहते हैं कि सर्वेंट आए अपना काम करे जाए, तो आप दोनों चीजें यूज कर सकते हैं।
ओके नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। अभी हम लोगों ने सैंटो साठ देखा है, अब मैं आपको एक बार यहाँ का एक बार फॉरेस्ट विजिट फॉरेस्ट भी देख लीजिए जो मोटा मोटा हम 25% तक बना चुके हैं। ओके ग्रेट ग्रेट।